शुरू करेंगे 2021 कोबरा का फेवरेट मैच। 152 रन से हमने 152 का टारगेट हमने बनाए और 152 151 बनाए 152 वो बनाए 152 उन्होंने बना दिए, एक भी आउट नहीं हुआ उनका। अब इस मैच में आप क्या देख रहे हैं? बैटिंग जय श्री राम। रोहित शर्मा पहली बॉल पे डक, डोनाल्ड डक हमारे द ग्रेट केएल राहुल बोल्ड, बड़ी बड़ी आंखें करके क्या बॉल, 8 बॉलों में 3 रन। इसको तो हमेशा अच्छी बॉल ही पड़ती है भाई को, अभी तो आगे देख लेना, चारों मैच दिखा रहा हूं। 8 बॉलों में 3 रन, ठीक है जी, गए। एक मेरे को पेन पेपर मिलेगा क्या? थोड़े थोड़े पॉइंटर्स लिखते रहते। अच्छा, ये कल जिलोमीटर वाली फाइल, जिलोमीटर वाली पड़ी हुई है। तो पहले मैच में आपके दोनों ओपनर गए, जो आप मैच हारे हो, मतलब क्या है ये? ये फाइल में बहुत सारे पॉइंट्स रखे थे। हाँ, तो पहला मैच 2021 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जी, आपके दोनों ओपनर, एक नहीं दोनों ओपनर फ्लॉप, दोनों ओपनर फ्लॉप, और मैच आप बुरी तरह हारे हो, ठीक है ना? तो इससे पता चलता है, और तीसरा भी आपका गया भाई, सूर्या भी गया, तो टॉप फोर में से, टॉप ऑर्डर में से 3 प्लेयर तो वैसे ही चले गए। सूर्या भी 8 बॉलों में 11 रन, 137 की स्ट्राइक रेट, एक छक्का भी मारा उसने, आते ही छक्का मारा था, एक चौका भी मारा है, आते ही छक्का मारा था। 2 बॉलों में 10 रन बनाए और बाकी 6 बॉलों में 1 रन बनाया भाई ने। तो सूर्य कुमार यादव भी गए 2021 वाले में, मतलब कि टॉप फोर में से 3 बंदे तो वैसे ही चले गए और ये पाकिस्तान मैच जीत जाता है। 3 बंदे ने 14 रन बनाए, केएल, रोहित, केएलआर, रोहित शर्मा एंड स्काई। वहां पे फिर विराट कोहली फंस गए अकेले और उन्होंने बनाए 57 रन्स बनाए 49 बॉल्स में जी, 116 की स्ट्राइक रेट, बहुत ही कम स्ट्राइक रेट के साथ, बट करते क्या। उसके बाद स्काई भी चले गए, उसके बाद ऋषभ पंत आए और वो खेले 30 बॉलों में 39, 2 चौके 2 छक्के, इन्होंने थोड़ा सा बचाया 130 की स्ट्राइक रेट से ऋषभ पंत, ठीक है 130 की स्ट्राइक रेट। बाकी आपके देख लो, रविंद्र जडेजा 13 बॉलों में 13 रन है, हार्दिक पांड्या 8 बॉलों में 11 रन है, नथिंग, कुछ नहीं। भुवनेश्वर कुमार 4 बॉलों पे 5 रन है, तो 151 पे आप निपट गए। अच्छा, उनकी तरफ से केएल राहुल, शाहीन अफरीदी, रोहित शर्मा, शाहीन अफरीदी, किंग कोहली, शाहीन अफरीदी, टॉप 3 शाहीन अफरीदी और सूर्य कुमार यादव, हसन अली जनरेटर, हसन अली वो भी कैसी बॉल यार, उसके बाद पंत को ले गए शादाब खान, 2 छक्के मार दिया था उन्होंने हसन अली को, उसके बाद शादाब ने आउट कर दिया नेक्स्ट ओवर में, अटैक करने गए थे, हसन अली ने आउट कर दिया रविंद्र जडेजा को, हारिस रॉफ ने आउट कर दिया हार्दिक पांड्या को। तो आप देखेंगे कि हसन अली ने 2 विकेट ली है, शाहीन अफरीदी ने 3 विकेट ली है, शादाब खान ने जो है वहां पर 1 विकेट ली है और हारिस रॉफ ने भी 1 विकेट लिया, हफीज ने 2 ओवर कराए कोई मतलब नहीं था, इमाद वसीम ने 2 ओवर कराए कोई मतलब नहीं था, डोमिनेंट परफॉर्मेंस। अब पाकिस्तान की बैटिंग पे आ जाओ, रिजवान 55 बॉल्स पे 79 रन्स, 143 की स्ट्राइक रेट गुड, और जिस वजह से आज तक बाबर आजम के घर पे राशन डल रहा है, ये 152 जो पाकिस्तानी करते उस मैच में भी 152 चेस करते हुए भी बाबर आजम की स्ट्राइक रेट 130 थी, 52 बॉल्स पे 68 रन्स, कम से कम रिजवान की स्ट्राइक रेट 143 तो है, 6 चौके मारे हैं 3 छक्के मारे हैं और रिजवान ने अटैक शुरू किया था और बाबर आजम ने 2 छक्के मारे, पता नहीं कैसे मार दिए, ये तो छक्के तो लगते नहीं इससे, खैर 2 छक्के और 6 चौके, 52 बॉल्स पे 68 रन्स, ठीक है ना, 152 फॉर नो लॉस, 17.5, 2 ओवर पहले ही मैच खत्म वर्ल्ड कप का और घर जाओ जी, सपना भी खत्म, 152 फॉर नो लॉस की टी शर्ट छप गई, पूरे पाकिस्तान में ईद मनाई गई, अभी तक वही मना रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारा क्रिकेट यहीं पे खत्म हो गया था, उसके बाद हमें कुछ नहीं जीतना, बिकॉज इससे बड़ी अचीवमेंट हमारे लिए लाइफ में कुछ नहीं थी कि हमने एक सपोजेड वर्ल्ड कप में इंडिया को हरा दिया, है ना, बिकॉज मौका मौका चले जा रहा था, चले जा रहा था, बेचारों की रातों को नींद हराम हो गई थी, पब्लिक सो रही है रातों को, मौका मौका है उठ रही है, पागल हो चुके थे सारे की यार मौका मौका से जान कब छूटेगी, लेकिन ये फर्जी T20 वर्ल्ड कप में जीते हो आप, ओडीआई वर्ल्ड कप में अभी भी मौका, एशिया कप में और अभी आप वर्ल्ड कप देख लो ना क्या कुटाई की है, एशिया कप की क्या बात है, ओडीआई वर्ल्ड कप की बात नहीं, अभी रिसेंटली कुटाई की है, मैं ये बात भाई अभी को छोड़ दे, वर्ल्ड कप की बात हो रही है, हिस्ट्री में ओडीआई वर्ल्ड कप की बात हो रही है, तो वो तो मौका मौका ही हुआ है। तो आगे आ जाइए, अब 2021 का मैच हमने इसमें से क्या सीखा भाई, कि टॉप ऑर्डर गया, मैच ही चला गया, और दूसरी बात, एक भी बॉलर आपका विकेट नहीं ले पाया,
बोलर्स कौन थे इसमें हमारे एक बार दिखाइएगा, हमारा बोलिंग लाइनअप भी दिखा दीजिए। हमारे बोलर्स भुवनेश्वर कुमार 3 ओवर, उसके बाद ओवर ही नहीं मिला, 3 ओवर में 25 रन 8.3। मोहम्मद शमी अच्छे खासे महंगे थे, 3.5 ओवर्स, एंड में बड़ी मार पड़ी थी मोहम्मद शमी को मुझे याद है, 11.2। जसप्रीत बुमराह 3 ओवर में 22 रन 7.3 इकॉनमी, फिर भी ठीक है चलो। वरुण चक्रवर्ती खेले गए थे जी, मिस्ट्री 4 ओवर्स में 33 रन, इनकी भी मिस्ट्री नहीं रही, हिस्ट्री हो गई अभी, 8.2 की इकॉनमी रेट। और रविंद्र जडेजा 4 ओवर में 28 रन, अच्छी खासी, सबसे अच्छी इनकी इकॉनमी रेट, लेकिन विकेट कोई भी नहीं ले पाया, एक बॉलर विकेट नहीं ले पाया, चाहे वो भुवनेश्वर कुमार हो चाहे मोहम्मद शमी हो। और एक और फैक्टर मैं लिख रहा हूं कि 5 ही बॉलर्स ने बॉलिंग कराई थी, हार्दिक पांड्या ने बॉल नहीं कराई, वो फिट ही नहीं था बॉलिंग कराने के लिए, सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन आपके पास, सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन नहीं था, 5 बॉलर के साथ आप गए हो, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, आपके टॉप ऑर्डर तीनों फेल है, हमने क्या सीखा, आपके भुवी शमी बुमराह और जडेजा, ये जो आपके बार बार T20 वर्ल्ड कप खेलते, ये चारों फेल थे, एक विकेट नहीं ले पाए थे, है ना। और शमी भाई बहुत पिटे थे, भुवनेश्वर कुमार बहुत पिटे थे, आपके लिए छठा बॉलिंग ऑप्शन होना, छठा बॉलिंग ऑप्शन नहीं था आपके पास, ये हमने सीखा 2021 से। आप इंजर्ड प्लेयर को खिला रहे थे, आप हार्दिक पांड्या को लेके गए थे जिनका नहीं हो पाया। अब आप आगे आ जाइए, एशिया कप का पहला मैच, एशिया कप का पहला मैच, ये हमने पहले बॉलिंग कराई थी, और पाकिस्तान कितने में खत्म हुई थी, टोटल क्या था दिखाना जरा आत्या, टोटल स्कोर क्या क्या बनाया था उन्होंने, 150 भी नहीं था, 140 भी नहीं था, मैंने कहा 150 तो नहीं था, कितना था, हमने चेस किया होगा ना यार, हमारी बैटिंग ऑर्डर में देख ले, हमारी बैटिंग दिखा दे इसमें यार, पूरा स्कोर कार्ड तो रख लिया करो। खैर इसमें रिजवान के रन है, अच्छा अगेन रिजवान के रन है, लेकिन 100 की स्ट्राइक रेट बहुत ही गंदी है। बाबर आजम फिर फ्लॉप है, 111 की स्ट्राइक रेट, ये बाबर को अगर 150 चेज ना करना होना तो इसके बस की नहीं है वैसे, 9 बॉलों पे 10 रन। फखर जमान फ्लॉप है, 6 बॉलों में 10 रन, 166 की स्ट्राइक रेट है, लेकिन 147 बनाए थे ना इन्होंने, 147 बनाए, अच्छा पहले हमने बैटिंग करी हमसे 152 बने वर्ल्ड कप में, इन्होंने पहले बैटिंग करी इनसे 147 बने वर्ल्ड कप में, तो पहला मैच भी एशिया कप में, ये वाला एशिया कप में पहला मैच भी जो टीम ने चेस करा वो जीती है, सेकंड मैच ये भी जिस टीम ने चेस करा वो जीती है। हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि फैक्टर्स क्या हैं जीतने के, है ना, फर्स्ट मैच भी जिसने चेस करा वो जीता, सेकंड मैच जिसने चेस करा वो ही जीता, ठीक है। तो यहां पर फखर जमान फ्लॉप है, इफ्तिकार अहमद फ्लॉप है, इफ्तिकार ने 22 28 कुछ नहीं है यार, सब फ्लॉप है, कुछ देर 7 बॉलों पे 2 रन, शादाब 9 पे 10, मतलब बैटिंग तो हुई नहीं, आसिफ अली बड़े छक्के मारता हूं जी 7 पे 9, फिर हारिस रॉस, हारिस ने नीचे से 7 पे 13 मरा मार दिया, तब जाके 146 पे पहुंचे एज उसके चौके होके। हमारी बॉलिंग दिखा दो जी, हमारी इसमें बॉलिंग दिखाना, हमारी बॉलिंग ने क्या किया था आदित्य, हाँ तो हमारी बॉलिंग भुवनेश्वर कुमार 4 ओवर में 4 विकेट ले गए थे, हिल रही होगी बॉल यहाँ पे, अर्शदीप सिंह ऑलमोस्ट 4 ओवर में 2 विकेट ले गए थे, हार्दिक पांड्या 3 विकेट ले गए थे जी, और यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है जीतने का, आपके 6 बॉलर्स ने बॉलिंग कराई। हाँ। अच्छा पहले मैच में जब पाकिस्तान ने हमें 152 पे ऑल आउट किया था उनके 5 ही बॉलर खेले थे क्या, दिखाना एक बार, देखना चाहता हूं, 1 2 3 4, ये भी 6 है, ये भी 6 है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव 6th बॉलिंग ऑप्शन, मैं हमेशा बोलता हूं 6th नहीं 7th भी हो तो और बढ़िया है, लेकिन 6 तो होने ही चाहिए। 5 बॉलिंग ऑप्शंस के साथ आपने देखा क्या हुआ था आपका, कभी ना आप फंस गए फाइनल में, देखा ना आपने। अच्छा ये वाले मैच पे फिर से वापस आइए, यहां पर हमारे 6 बॉलिंग ऑप्शन थे, तो भुवनेश्वर कुमार 4 विकेट ले गए, अर्शदीप सिंह 2 विकेट ले गए, हार्दिक पांड्या 3 विकेट ले गए, आवेश खान 1 ले गए, आपने 147 पे उनको ढेर कर दिया। अब अपनी बैटिंग पे आ जाओ, ये मैच आप जीते थे, वो तो जीते 18वें ओवर में, आप कैसे जीते हो, 19.4 ओवर्स में आपने चेस करा है 148 for 5, 19.4 कॉमन फैक्टर क्या है, फिर देखिए आप, रोहित शर्मा फेल, केएल राहुल फेल, रोहित शर्मा फेल फिर केएल राहुल फेल, ये दोनों ओपनर तो हमें मरवाने के लिए मेरे ख्याल से खेलते हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, 18 बॉलों में 12 रन है रोहित शर्मा के, स्ट्राइक रेट ऑफ 66 66. और पिछले मैच में जो पाकिस्तान के साथ खेला था उसमें भाई साहब रोहित शर्मा जी पहली बॉल पे आउट हो गए थे, इस मैच में राहुल ने बोला मैं कैसे पीछे रहूंगा, वो पहली बॉल पे बोल्ड हो गए, नसीम शाह पहली बॉल पे बोल्ड,
पहले आपने बोला था बड़ी अच्छी बॉल पड़ गई थी, यहाँ क्या हुआ? नहीं, यहाँ तो बहुत बेकार, हर बारी होता है इसके साथ। वो पता नहीं क्या खेलना चाह रहे थे, प्रेशर इतना रहता है कि खत्म है, ठीक है ना। फिर कोहली ने थोड़ी बहुत इज्जत बचाई जी, 34 में 35, अब बोल देना स्ट्राइक रेट कम थी, जहां किसी से नहीं खेला जा रहा। अगेन कोहली कॉमन फैक्टर है, पहले मैच में 50 बनाया, इसमें भी 35 थे। जडेजा ने बड़ी अच्छी पारी, आउट हो गया, जडेजा अच्छा खेल गया 29 प्रमोट किया था ना आपने नवाज, क्योंकि आपसे खेला नहीं जा रहा था। अच्छा सूर्या इस मैच में भी फ्लॉप है। आप बैटिंग देखिए हार्दिक की, 17 बॉलों में 33 रन, मैच तो ये जीता गया, 200 की स्ट्राइक रेट है ऑलमोस्ट, लास्ट ओवर में छक्का मार के खत्म किया, वरना ये मैच भी आप हार गए थे। इसमें भी कॉमन फैक्टर क्या है कि आपके रोहित राहुल और सूर्या तीनों फेल है, रोहित राहुल सूर्या, कोहली खेला है। अच्छा इसमें इनकी बॉलिंग दिखा दो, इनकी बॉलिंग ने फाइट तो करी, आपकी बॉलिंग तो एक विकेट नहीं आउट कर पाई, 100 ये 147 पे पाकिस्तान की बॉलिंग आपको 19.4 पे ले गई। ये भाई फैक्ट्स बता रहे हैं, कोई ये नहीं है कि किसी की साइड ले रहे हैं। अच्छा यहां पे इनके 5 बॉलिंग ऑप्शंस थे, अगर छठा होता तो शायद ये जीत जाते, नहीं आपसे बैटिंग हुई नहीं रही थी बॉस। यहां पे इनके पास 5 बॉलिंग ऑप्शन थे तो ये हार गए। और हारिस पिट रहा था एक एंड से, देखो इससे ये पता चलता है कि आपको 6 बॉलिंग ऑप्शंस चाहिए ही चाहिए T20 क्रिकेट में, चाहिए ही चाहिए। हमने 5 बॉलिंग ऑप्शन रखे, हम हार गए, लेकिन कम से कम इन्होंने फाइट तगड़ी दी आपको। अच्छा 5 ही आउट करें आपको, कोई ये नहीं कि 7 आउट आउट हो गए तब तुम चले गए 20वें ओवर तक, 5 ही आउट करें तुमसे रन नहीं बने। और आप देख लो ना कि कोई भी इनका ज्यादा, हारिस ने रन दिए 8.8, बाकी तो सब इकोनॉमिकल है। नसीम शाह सब बढ़िया है, पहला मैच तो नसीम शाह नहीं खेला 2021 वाला, यहां से नसीम शाह आया, पहला मैच था इसका जहां पे आप याद करो कि ये गिरा भी हुआ था, इससे बॉलिंग भी नहीं हुई, यहां से नसीम शाह का मेरे हिसाब मतलब मेरे नजरों में नसीम शाह का राइज हुआ, बिकॉज ये इसकी बॉडी बिल्कुल टूटी हुई थी, बट ही अर्नड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट नॉट ओनली फ्रॉम पाकिस्तानीज आल्सो फ्रॉम इंडियंस, बिकॉज इसकी बॉडी साथ नहीं दे रही थी, इससे खेला नहीं जा रहा था, इंजरी लग रही थी इसको हो गई है, ये फिर भी बॉलिंग करा रहा था और फिर भी 4 ओवर में 27 रन दिए सिर्फ और 2 विकेट ले गया। तब से मैंने बोला था कि ये लड़का दुनिया का बेस्ट बॉलर बन सकता है। इसकी अब ऑब्वियसली पाकिस्तानी बींग पाकिस्तानी हालत ही खराब कर दी बेचारे की बच्चे की, और ये इंजरी करके बाहर है। नवाज 3 विकेट ले गया, नवाज वाकई मैच विनर है भाई, नवाज 3 विकेट ले गया, लास्ट ओवर में छक्का पड़ गया, वो बाबर आजम को कप्तानी तो आती नहीं है, फिर इसको लास्ट ओवर हमेशा की तरह लास्ट ओवर दे दिया इसको, फिर उसने 3 विकेट भी ली हुई है बेचारे ने, फिर भी वो विलन बन गया कि लास्ट ओवर में छक्का मार दिया। हार्दिक पांड्या को तो चाहिए था भाई, लिया, और हार्दिक ने 17 में 33। भाई लास्ट ओवर में जब आप स्पिनर को लगाओगे, जब भी डिफेंड करने के लिए कुछ है, आप देखेंगे हार्दिक पांड्या विराट कोहली हमारे बॉलर्स ने बहुत बढ़िया करा और इन्होंने 5 बॉलर खिलाए, ठीक है जी। जडेजा ने भी यार पानी ये मैच आप जीत गए, लेकिन वैसे नहीं जैसे पाकिस्तान जीती थी, पाकिस्तान जीती थी 152 फॉर नो लॉस, वन साइडेड, आप जीते हो मर मरा के 19.4 ओवर्स, ठीक है। अब तीसरा मैच जो आप हार गए, तीसरे मैच पे आते हैं, तीसरे मैच पे आते भाई, इसमें तो हमने पहले बैटिंग करी थी ना, नहीं हाँ इसमें इसमें हमने पहले बैटिंग करी थी, इन्होंने चेस किया था, इन्होंने चेस किया, हमारी पहले बैटिंग थी, इंडिया का पहले दिखा दो, हमने पहले बैटिंग करी थी तो इंडिया का निकाल लो। और तीसरा मैच जो था ना मुझे अच्छी तरह याद है, हमने 181 बनाया कुछ, उसमें रोहित ने थोड़ी बहुत स्टार्ट दी, केएल ने भी थोड़ा बहुत करा लेकिन ज्यादा नहीं कर पाए, सूर्या मेरे ख्याल फिर फ्लॉप थे, उसमें विराट का 50 था, विराट ने 50 बनाए थे, और एंड में भी आके शायद हार्दिक ने मारे होंगे या जडेजा ने मारे होंगे कुछ ऐसे ही, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली। 181 पे आप खत्म हुए, वहां पे नवाज ने आके आउटसाइड नहीं। अब आप ये देख लो, अब एक और मैच यहां पे आप आपने अब ये फिर जो टीम भाई, इसमें से ये पता चलता है जो भी टीम चेस कर रही है वो जीत रही है, ये मैच भी जिस मैच जिस टीम ने चेस करा उसने जीता। आपने बनाया 181, 182 पाकिस्तान ने चेस कर दिया। ये पिछले चारों मैच जो इंडिया पाकिस्तान के हुए हैं, 2 इंडिया जीती है, 2 पाकिस्तान जीती है, जिस टीम ने चेस करा है वो जीत गई। केएल राहुल मेरा भाई 20 बॉलों पे 28 रन, बड़ी मुश्किल से अच्छे 2 छक्के मारे बट फिर आउट हो गया ये शादाब खान की बॉल पे, है ना। रोहित शर्मा एग्जैक्टली सेम 28 रन, पहले बॉल से ही बड़ा ताबड़तोड़ खेलने की कोशिश, नसीम को निकल के मारा था, शुरुआत ठीक दी थी, लेकिन आप 28-28 को शुरुआत बोल लो तो ठीक है, 175 की स्ट्राइक रेट मिडिल ओवर्स में आप फंसे थे रोहित शर्मा की, और विकेट एक तरीके से फेंक के चले गए थे, फिर डाउन द ट्रैक आ गए थे, हारिस रौफ को पेस से थोड़ा सा हवा में टंग गई थी, वरना बड़ा बढ़िया खेल रहे थे, बट 28 रन से ज्यादा थोड़ा सा एक्सपेक्ट करते हैं आप कि कम से कम 40 तो हो। फिर विराट कोहली जाके 44 में 60 किया,
है ना, ये रन आउट हुए आसिफ अली से 136, थोड़ी सी यहां पे स्ट्राइक रेट कम नजर आएगी आपको, बट सूर्य कुमार यादव अगेन फ्लॉप। सूर्य कुमार यादव आज तक पाकिस्तान के अगेंस्ट चला ही नहीं है भाई, 10 बॉलों पे 13 रन है, जो इतनी ज्यादा इंटेंट भाई, पानी तो ले आप दीजिए, 10 बॉलों में 13 रन है सूर्य कुमार यादव, 130 की स्ट्राइक रेट, फिर फ्लॉप। फिर ऋषभ पंत भी 12 में 14, जहां मेरे ख्याल से रिवर्स स्वीप मारते हुए आउट हो गया था। हार्दिक पांड्या 2 बॉलों में 0 रन है, यहां पे इसके रन नहीं आए। दीपक हुड्डा 14 में 16, मतलब इसने नीचे से ऊपर से रन आए हैं, नीचे से फिनिश आपने अच्छी नहीं करी, वरना 200 बनता था यहां पे, यहां पे 200 बनता था, 200 बनता था आखिरी के 5 ओवर में उन्होंने। रवि बिश्नोई 8 रन मार गया था, क्या बात, नीचे से आकर, हां वो नीचे से आकर उसने बना दिए थे रन, तभी आप बच गए कि उसने 2 चौके मार दिए आपकी शुरुआत, इसके बावजूद रवि बिश्नोई ड्रॉप हो गया। आपकी शुरुआत बड़ी दमदार हुई थी, ये वही मैच है जिसमें बिश्नोई ने बाबर को आउट किया था। मैं बोलता हूं उसके बाद रवि बिश्नोई बोलता रहा हूं कि उसके बाद ड्रॉप हो गया, मेरे को तो याद ही नहीं था 2 चौके मार दिए। क्या हुआ था कि शुरुआत बड़ी ताबड़तोड़ हुई, उसके बाद बीच में थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ और नीचे से आकर जहां पे लोअर ऑर्डर को फिनिश करना था आपसे फिनिश नहीं हुआ। अब एक और आप चीज देखिए, केएल राहुल रोहित ने अच्छी स्टार्ट दी, कोहली खेलना शुरू हुआ उसके बाद कोई खड़ा ही नहीं हुआ। कोहली के साथ सूर्य कुमार यादव आउट हो गए, ऋषभ पंत आउट हो गए, हार्दिक पांड्या आउट हो गए, दीपक हुड्डा भी नहीं खेल पाया 14 में 16, तो कोहली भी स्लो हो गया। कोहली को जो लोग स्लो बोलते हैं ना, जो स्ट्राइक रेट देखते हैं सिर्फ, मैं हमेशा ये बोलता हूं भाई ये देखो कोहली का साथ दिया किसी ने, आपने पहला मैच देखा 152 बनाया इंडिया ने, कोहली का साथ दिया किसी ने, तीनों आउट, रोहित आउट, राहुल आउट, सूर्य आउट। सेकेंड मैच 147 की चेज में कोहली के 35 थे, फिर वही हुआ, रोहित आउट, केएल आउट, सूर्य आउट, तो कोहली अकेला जडेजा के साथ खेल रहा है ना। तीसरा मैच है ये जो दिखा रहा हूं इंडिया पाकिस्तान, यहां पर भी सेम हुआ, केएल आउट, रोहित आउट, फिर सूर्य आउट, ऋषभ आउट, हार्दिक आउट, दीपक हुड्डा तक आ गया, वो अकेला खेल रहा है, एंड तक लेके जा रहा है। तो उसकी स्ट्राइक रेट तो कम होगी ना, जब एक एंड से विकेट्स गिरती रहेंगी तो उसकी स्ट्राइक रेट तो कम होगी होगी। यहां पर आपने 180/147 मैनेज किया 20 ओवर में। अब आप बॉलिंग दिखाइएगा जरा मुझे पाकिस्तान की एक बार, यहां पर भी ये 5 बॉलर के साथ ही गए थे या 5 बॉलर से बॉलिंग कराई है इन्होंने। मोहम्मद हसनैन 4 ओवर में 38 रन 1 विकेट, नसीम शाह 4 में 45 रन, रन ज्यादा दिए बिकॉज इसको शुरू में रोहित ने मारा था, 1 विकेट। मोहम्मद नवाज 1, सबने विकेट लिए। हारिस रौफ 4 में 38 1 विकेट, मोहम्मद नवाज 4 में 25। यार नवाज वाकई मैच विनर है भाई, हर मैच में अच्छा करा है और इस मैच का तो मैंने तो मैच था प्लेयर ऑफ द मैच, 4 में 25 और 1 विकेट भी ले गया और उसके रन भी आपको पता है कितने मारे, मैच जीता। शादाब खान 4 ओवर 31 रन 2 विकेट, है ना, तो सबका कंट्रीब्यूशन था लेकिन 5 ही बॉलर के साथ गए। इस गेम में पाकिस्तान के स्पिनर्स ने कमबैक करवाया था, जब बीच में आपने नवाज और शादाब ने आकर आउट किया और फिर उसका रन भी कम था और 181 बन गए। वो इसीलिए बने क्योंकि फिर तुम 5 बॉलर के साथ ही गए हो, छठा बॉलिंग ऑप्शन होता तो शायद 181 भी ना बनते जिस तरीके से तुमने कमबैक किया पाकिस्तानियों ने। अब आप इनकी बैटिंग दिखा दो, अब इनकी बैटिंग आती है, मोहम्मद रिजवान अगेन इंप्रेसिव, 139 की स्ट्राइक रेट, ऑलमोस्ट 140 एक्सेप्टेबल। बाबर आजम फिर फ्लॉप, 10 बॉल पे 14 रन, पिछले 3 मैच से लगातार बाबर आजम फ्लॉप है और 152 वाले गेम में भी यार 130 की स्ट्राइक रेट थी इसकी, वो तो इजी है इसके लिए, 150 तो 150 तो टुक टुक करके कर लेता है। फिर फकर जमान आउट, फकर जमान के भी रन नहीं है, नहीं आ रहे थे इंडिया के अगेंस्ट, नंबर 3 पे नहीं आ रहे, रन नहीं आ रहे, इसको जबरदस्ती 3 पे खिला रहे, 18 बॉल पे 15 रन। यहां पर मैच जीता गया मोहम्मद नवाज और बहुत बढ़िया, मतलब रिजवान तो अच्छा खेल ही गया, लंबा लंबी पारी खेल गया, जो कोहली ने वहां पे 60 रन करे थे 130-135 की स्ट्राइक रेट वो इसने कर दिया 139 की स्ट्राइक रेट, है ना, 71 बना गया। तो मोहम्मद नवाज जो पारी खेल गया ना बीच में आके, मोहम्मद नवाज ने मुझे याद है हार्दिक पांड्या को भी छक्के मारे थे, हार्दिक को इसने मारा था, किसने मारा था, 20 बॉलों में 42 रन 210 की स्ट्राइक रेट, 2 छक्के 6 चौके। इस गेम में तो आपने फील्डिंग भी खराब की थी ना, कैचेस ड्रॉप, कैच छोड़ दी आसिफ अली की, आसिफ अली जो नीचे से आके 8 में 16 मार गया, यहां पे मैच जीते थे 200 की स्ट्राइक रेट। ये आसिफ अली की कैच छोड़ दी अर्शदीप ने जो बिश्नोई की बॉल पे, बिश्नोई ने तो पावर प्ले में आउट कर लिया था बाबर को, बट जहां पे वो कैच छूटी उसने अगले ओवर में छक्के मार दिए और वो जीत गया, मैच जीत गए लोग। रोहित का वो रिएक्शन कार भी आउट है, ये वाला सही से वाला 182/5 in 19.5 ओवर्स, ये भी अर्शदीप के पास अगर लास्ट ओवर में थोड़े रन होते तो वो बचा लेता, उसके पास रन ही नहीं बचे, 7 रन थे मेरे ख्याल से, 6 बॉल में क्लोज गया लेकिन पाकिस्तान जीत गया चेस करते हुए, है ना। और अगर आप इंडिया की बॉलिंग लाइनअप दिखाएं, इसमें देखेंगे आपके 5 ही बॉलर हैं, फिर आपने 5 बॉलर खिलाए,
एक दो तीन चार पांच भुवनेश्वर अर्शदीप रवि बिश्नोई हार्दिक और युजवेंद्र चहल फिर आप हार गए। ये वो टाइम था जहां पे 19वें ओवर में आपका वो 92 यहाँ पे जैसे मैं बता रहा था ना हार्दिक को बहुत मार पड़ी थी तो चार ओवर में 44 रन दे दिए थे हार्दिक ने और ये वो वाला मैच था जहां पे ड्रामेबाजी करके हार्दिक मेरे ख्याल ऊपर आना था या कुछ ड्रामा था यहाँ पे तो 4 में 44 सारी अकड़ निकल गई थी। पिछले मैच में अच्छा। यू कर रहे थे मैच जीता के 147 वाले मैच में यू रवि बिश्नोई दो बॉले खेल के 8 रन मारता है। रवि बिश्नोई 4 ओवर में 26 रन देता है, 1 विकेट लेता है और इसके बाद 1 साल तक रवि बिश्नोई दिखता नहीं है। इसीलिए तुम आज तक टाइटल जीते नहीं हो 10 साल में, बिकॉज तुम ऐसे प्लेयर्स जो डिजर्व करते हैं उनको ड्रॉप करते हो। और अकेला मैच जर्नलिस्ट था 1 साल तक चीखता कि रवि बिश्नोई कहां है, बट इनको शर्म नहीं आई। और अभी भी वो आया, प्लेयर ऑफ द सीरीज बना ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, फिर वो ड्रॉप हो गया साउथ अफ्रीका। अब तो खिला लेना भाई, प्लेयर को ड्रॉप कर करके मनोबल खत्म कर देते हो। सो ये हमारी बॉलिंग लाइनअप थी, ये गेम पाकिस्तान जीत गई। अब आ जाओ जी ऐतिहासिक 2022 ऑस्ट्रेलिया एमसीजी ये वाला नहीं, ये तो आपने वही दिखा दिया 182/5 ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप, ये काले में कर दिया। अच्छा चलो ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप बेटा काले में सफेद में दिखाता, कोई बात नहीं अभी दिखा दे, सफेद मिल जाएगा तो दिखा दिया। मोहम्मद रिजवान आउट हो जाते हैं, हर्षदीप सिंह, बाबर आजम आउट हो जाते हैं, हर्षदीप सिंह इनके ओपनर गए, मैच इनका ऑलमोस्ट डेड था वहां पे। जब भी आपके ओपनर चले जाते हैं हल्के में आपका बहुत मुश्किल होता है रिकवर करना। आपने हमारे साथ देखा है 3 मैच में हुआ, 152 वाले गेम में हुआ, 147 वाले गेम में हुआ, आप जीत गए उनके साथ हुआ ना, फिर वहां पे आप जीत गए वहां पे भी उनके हाँ, हाँ, बाबर वहां पे उनके साथ हुआ, उनके साथ चले हुआ। फिर लेकिन हमारे साथ भी हुआ, हमारे भी ओपनर 184 वाले में आपको थोड़ा सा स्टार्ट। अब यहाँ पे देखो मोहम्मद रिजवान को हर्षदीप ने आउट कर लिया, बाबर आजम को हर्षदीप ने आउट कर लिया, शान मसूद मार गया, नॉट आउट था शान मसूद, 42 बॉल्स पे 52 मार गया, बहुत स्लो थी। अच्छा आप ये देखो, मैंने हमेशा बोला है कि विराट कोहली की स्ट्राइक रेट क्यों कम हो जाती है, अगर विकेट्स गिरती है ना तो दूसरे बंदे की स्ट्राइक रेट कम होती होती है, इसकी भी स्ट्राइक रेट इसलिए इतनी कम है, 123 की स्ट्राइक रेट है इसकी, क्योंकि विकेट्स गिर गई दोनों, मोहम्मद रिजवान बाबर आउट, पैनिक मच गया। और उसके बाद भी इफ्तिकार अहमद ने इनको गेम में वापस लाया, इफ्तिकार अहमद की जो पारी थी ना 34 बॉल्स में 51 रन, 4 छक्के और 2 चौके और 150 की स्ट्राइक रेट एमसीजी में। मैं तो सामने देख रहा था जब इसने एक ओवर में अक्षर पटेल को 3 छक्के मार दिए थे, वहां से थोड़ा इनको मोमेंटम मिला, बट उसके बाद शादाब फ्लॉप, हैदर अली ने कुछ नहीं किया। हैदर अली नेट्स में देखता था मैं, ऐसे शॉटें मार रहा है, मुझे लगा भाई ये तो पता नहीं बॉल फाड़ देगा क्या करेगा, कुछ ना कर पाया। मोहम्मद नवाज फ्लॉप हो गया, आसिफ अली फ्लॉप हो गया, शाहीन शाह अफरीदी, हाँ शाहीन अफरीदी और नीचे हारिस रॉफ ने आके मारा था, शाहीन अफरीदी एक छक्का चौका मार गया, 200 की स्ट्राइक रेट है उसकी, और हारिस रॉफ मार गया। अपनी बॉलिंग दिखा दो, 160 कुछ पे इन्होंने खत्म करा था, 160 और हमारे यहां पर 6 बॉलिंग ऑप्शन अगेन आप मैच जीते हो 6 बॉलिंग ऑप्शन के साथ, भुवनेश्वर, अर्शदीप, मोहम्मद शमी, हार्दिक पांड्या, रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल। अश्विन को विकेट नहीं मिली, उसके अलावा अक्षर को विकेट नहीं मिली क्योंकि एक ओवर में 3 छक्के पड़ गए थे, मगर बाकी सबने विकेट ली है। अर्शदीप 3 विकेट ले गया और हार्दिक पांड्या फिर से 3 विकेट ले गया, जो 147 वाला गेम था वहां पे भी हार्दिक ने 3 विकेट। तो हार्दिक जब जब अच्छा कर रहा है आप मैच जीत रहे हो भाई, वो बॉल के साथ भी अच्छा कर रहा है, बैट के साथ भी अच्छा कर रहा है। इस मैच में अगर विराट ने वो ऐतिहासिक बिल्कुल पारी ना होती तो मैन ऑफ द मैच हार्दिक पांड्या भी जा सकता था, बैटिंग भी अच्छी कर गया था, बाद में स्लो हो गया था, हारिस की बॉल लग नहीं रही थी, सबने अच्छी इकोनॉमी से बॉलिंग करी है। ठीक है, अब हमारी बैटिंग पे आ जाओ, अगेन आपके ऊपर के ओपनर फेल है। आपकी बेस्ट पार्टनरशिप पता क्या हुई है, आपको बेस्ट क्या दिया है, रोहित शर्मा 28 रन, केएल राहुल 28 रन, पिछले लास्ट 4 मैचेस एशिया कप वाले गेम में। इंडिया की बैटिंग दिखा दो, अब ये वाला मैच भी आप हार ही गए थे भाई, और ये मैच आप लास्ट बॉल पे जीते हो पूरे 20 ओवर में, 8 में 28 पूरे 20 ओवर में जीते हो। फिर देखो केएल राहुल भाई फिर बोल्ड, एग्जैक्टली ये पता नहीं इसने बोल्ड होने का ठेका ले रखा है, ये नसीम से 4 मैच, नसीम का पहला मैच ये तब बोल्ड जब वो डेब्यू मार रहे इंडिया के अगेंस्ट, नसीम का ये वर्ल्ड कप वाला पहला मैच फिर ये बोल्ड, चाहता क्या है भाई ये आदमी, क्या हमें तड़पाने के लिए पैदा हुआ है क्या ये। केएल राहुल फिर बोल्ड, रोहित शर्मा फिर चल पड़े हारिस रॉफ की बॉल पे, फिर विराट कोहली जी उसी दुविधा में,
कि केएल आउट, रोहित आउट, सूर्या आउट. सूर्या तो चला ही नहीं है चारों मैचेस में. केएल तो फिर भी 28 मार गया एक में. रोहित ने चलो फिर भी झूठे मुंह 28 बोल सकता है कि चलो भी कुछ कर लिया. हालांकि 28 चार मैच में एक 28 मार देने से कोई पारी नहीं है. और वो मैच भी आप हारे हो बाय द वे, जहां पे नवाज तोड़ के चला गया 200 की स्ट्राइक रेट से मार के. वो मैच भी आपकी लूजिंग कॉज में दोनों का रन, वरना रन ही नहीं आए इनके. अब विराट कोहली तो फिर नेक्स्ट लेवल ही खेल गया 154 की स्ट्राइक रेट से 53 बॉल्स पे 82 रन. मतलब हमें पता है ना किस तरीके से जीते हो आप मैच. चार छक्के मार दिए, छह चौके मार दिए भाई साहब. सूर्या फिर निकल लिए 10 पे 15. अक्षर पटेल रन आउट हो गए थे. हार्दिक पांड्या ने साथ दे दिया. दिनेश कार्तिक जी भी मरवा के चले गए थे. एंड में रविचंद्रन अश्विन ने जितवा दिया. सबसे इंपॉर्टेंट एक रन और जो वाइड छोड़ी थी, तो आप बच गए और पूरे 20 ओवर तक गेम गया. अब अगर आप देखोगे जो कॉमन फैक्टर्स हैं, ये था 161 का चेस था ना ये. पिछले चारों मैचेस में से जिस टीम ने चेस करा वो जीती है. पिछले चारों मैच में जिस जिस टीम के ओपनर गए हैं जल्दी उसको प्रॉब्लम हो गई है. ये मैच हमें भगवान ने बचा लिया. आज तक मुझे पता नहीं है जीते कैसे. इवन विराट कोहली का इंटरव्यू सुन लो, वो खुद कह रहा है भाई मुझे नहीं पता हम ये मैच कैसे जीत गए. उसको हमने जब ऑस्ट्रेलिया में पूछा था, सामने आमने हमने पूछा था, तब भी कह रहा था भाई मुझे नहीं पता, ऊपर वाले ने करवा दिया. हुआ एक करिश्मा हुआ है उस दिन. वरना जब जब आपके ओपनर जाएंगे इस तरीके से आप मैच हार जाओगे. देखो उधर से बाबर और रिजवान गए, हमने यहां से रिटर्न द फेवर कर दिया. उनके दो गए थे बाबर रिजवान, फिर शान मसूद इफ्तिकार की पार्टनरशिप लगी थी. हमारे तीन चले गए, चार चले गए थे हमारे. अक्षर भी चले गए. हमारे केएल राहुल, रोहित शर्मा, सूर्या और अक्षर चार आउट हो गए थे. हम तो बच गए. तो चाहे वो 147 वाला गेम हो पाकिस्तान के लिए जहां पे ऊपर से उनके आउट हो गए, चाहे वो 152 वाला गेम हो इंडिया के लिए, चाहे हमारे ऊपर आउट हो गए. तो इसीलिए लोग समझते नहीं है कि ओपनिंग पोजीशन T20 में कितनी इंपॉर्टेंट है. और आज मैं इसीलिए चीखे मारता हूं कि अभी तुम कर रहे हो रोहित शर्मा रोहित शर्मा रोहित शर्मा, भाई उनको वर्ल्ड कप में रन मारने पड़ेंगे. बिकॉज ये देख लो लगातार चार मैच से फेल होते हुए आ रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान. पाकिस्तान वाला मैच अगर तुम हार गए उसके बाद तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा. यूएसए, कनाडा, आयरलैंड वगैरह तुम्हारे यहाँ पर छह बॉलिंग. अच्छा इनकी बॉलिंग भी दिखा दो पाकिस्तान की. यहाँ पर बॉलिंग लाइनअप में क्या क्या था. अब देखो इनके भी पांच ही बॉलिंग ऑप्शन है, इसीलिए मैच हारे भी इनके पास आखिर में. बिकॉज पांच बॉलिंग ऑप्शन जब आप लेके जाते हो तो हारते हो. अब नसीम इफ्तिकार था इनके पास, यहाँ पे भी देख इफ्तिकार से करा लेते तो पिटता ही वो. यहाँ पे तो देख नसीम शाह फिर 4 ओवर में 23 रन और 1 विकेट है. शादाब भी वैसे 4 ओवर में 21 ही है. लेकिन नसीम शाह भाई ये बंदा वापस आएगा आपको ये चैन से जीने नहीं देगा. इसने लगातार 4 में से 2 मैच में तो इसने उसको आउट कर दिया केएल राहुल को. रोहित ने इसको एक मैच में अटैक करा. पहले मैच में क्या इसने आउट करा था? नहीं, इसने किस किस पहले में शाहीन ने आउट किया था रोहित को. पहले शाहीन में तो नसीम था भी नहीं. नहीं, पहले वाले जहां पे खेला है एशिया कप में इसने आउट किया था और केएल को बोल गया था. हाँ, सूर्या को शॉर्ट बॉल पे जो पीछे वो दिखाई वर्ल्ड कप वाला था. एशिया कप वाला दिखा नसीम ने किसको आउट करा था? एशिया कप वाला दिखा सूर्या को आउट किया था. रुक जा देख लेते हैं जो 147 वाला मैच था ना आदित्य, पहले वो देखते हैं नसीम ने कौन सी विकेट ली है. देखते हैं नसीम ने कौन सी विकेट ली है. दिखाना एशिया कप 147 जहां पे बनाया था पाकिस्तान ने और हमने चेस किया था. हमारी चेस में दिखाना नसीम शाह पूरा स्कोर कार्ड दिखा दे 147 वाला. ख्याल से रोहित को ही आउट किया था. मैं देखना चाहता हूं कि नसीम ने कौन सी विकेट्स ली है. शायद एक बार उसने रोहित को आउट किया है. शायद नसीम ने रोहित को बहुत नहीं रोहित को नहीं आउट किया. नहीं किया तो फिर केएल को तो दो बार कर दिया. केएल को तो कर दिया. केएल तो शुक्र है बाहर हो गया. केएल को तो एक ही. लेकिन केएल अब मिडिल ऑर्डर में आ जाएगा. दिखा दे बेटा अत्या 147 वाला 147 जो चेस किया हमने. एक ही तरीके से केएल राहुल को दो बार आउट कर दिया नसीम शाह. इनसाइड एज लग गया. हालांकि इस बार अलग होगा. अगर केएल राहुल आएंगे तब तक तो क्या आप दूसरे तरीके से 147 वाले में केएल को बोल्ड मारा था. के कुछ ओवर केएल को बोल्ड मारा था. और कौन सी विकेट थी इसकी? सूर्या की थी ना इसकी विकेट. एक तो केएल वाली एक केएल वाली विकेट है और दूसरी विकेट है क्या हो गया तुझे सूर्या केएल और सूर्या केएल सूर्या 147 वाले में केएल और सूर्या. मैं कह रहा ना केएल राहुल और 50 बार बोल दिया. हाँ तो इसमें सूर्या बोल्ड और केएल राहुल. अब तू देख नसीम शाह सूर्या. अच्छा इसके बाद वाली गेम दिखा 180 वाली. यहां पर ये विकेट ले गया केएल राहुल की और सूर्य कुमार यादव दोनों तुम्हारे टॉप बैटर. अब आ जा वो वाली गेम पे जो 182 181 जो भी बनाया था तुमने उसमें जब ये पिटा भी है फिर भी इसने विकेट लिया है तो वहां पे इसने केएल राहुल को आउट किया फिर से. नहीं नहीं उसमें वहां पे किसको आउट किया था?
वहां पे इसका अच्छा दिन नहीं गया, इसने दीपक हुड्डा को ही आउट किया। और फिर ये 152 वाली गेम पे आ जाओ, 152 में तो था भी, सॉरी 152 बोल रहा हूँ, 160 वाली गेम पे आ जाओ, 161 ऑस्ट्रेलिया वाली, वहां पे इसने आउट किया केएल राहुल को। और कोई विकेट मिली थी इसको? नहीं, ठीक है। तो इसने बेसिकली आपके सूर्या का आउट किया एक बार, और केएल का आउट किया दो बार, और एक बार दीपक हुड्डा नीचे से आउट किया, बाकी कोई इसकी विकेट नहीं है। लेकिन ये डेंजरस है ऊपर बहुत ज्यादा, इसमें मतलब इसकी इकोनॉमी रेट भी ठीक रहती है, कैलिबर भाई भी ले लेता है, ये बॉल को हिलाता है। और इस बार ये है कि आफ्टर इंजरी, देखो जब शाहीन शाह अफरीदी ने इंजरी के बाद कमबैक किया था तो T20 वर्ल्ड कप उतने फिट नजर नहीं आ रहे थे, तो एक ये भी पॉइंट है कि नसीम आफ्टर इंजरी किस तरीके से रिकवर होकर। आप ये मत देखो जब नसीम खेल भी रहा था, इंजरी भी हुई है, जब इंजरी के साथ खेल भी रहा था ना, वो लग रहा था कि ऐसी इंजरी है, तब भी भाई वो हार नहीं मान रहा वो है ना, वो तो बॉलिंग बहुत बढ़िया किया जा रहा था। एक बात यही है, जब आएगा देखेंगे, बट थ्रेट तो है, पॉसिबल थ्रेट। ओपनर्स को बेटर करना पड़ेगा, सिंपल है। तो रोहित शर्मा ने जो पिछले चार मैचेस में परफॉर्मेंस दिए, उससे काफी अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी अगेंस्ट पाकिस्तान। आपको छह बॉलिंग ऑप्शन खिलाने ही होंगे जी, आप पांच बॉलिंग ऑप्शन के साथ नहीं जा सकते। और विराट कोहली का साथ किसी को देना पड़ेगा हर मैच में। अगर ये होगा कि रोहित शर्मा भी गए, उसके साथ दूसरा ओपनर भी गया अगर वो विराट कोहली नहीं है तो, और फिर सूर्य कुमार यादव भी गए, तो मैच जीतना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एंड फ्रॉम पाकिस्तान पर्सपेक्टिव, उन्होंने इतना बुरा नहीं करा है। वो बाय द वे पिछले चार मैच में से तीन मैच जीत गए थे ऑलमोस्ट, लास्ट वाला मैच में वही जीत रहे थे। इंपॉर्टेंट मैचेस अगर आप देखो, वर्ल्ड कप का 152 वाला मैच वो जीते, एशिया कप में व्हेन इट मैटर्ड जो एलिमिनेशन वाला मैच था, सुपर फोर वाला मैच वो जीते और फाइनल वो खेले, वर्ल्ड कप का भी पहला मैच वो जीती गए, ऑलमोस्ट जीत गए, और फाइनल भी उस वर्ल्ड कप का पाकिस्तान ने खेला, सेमीफाइनल वो न्यूजीलैंड को हरा के आए, तुम इंग्लैंड से हारे, तुमने एक विकेट भी नहीं ली। तो तुम्हारी बॉलिंग में भी कमी नजर आती है, बुमराह वगैरह भी खेले हैं वर्ल्ड कप में, वो भी एक विकेट नहीं ले पाए। फिर आपके ये आए भुवनेश्वर कुमार वगैरह, चार मैच में बुमराह एक में भी नहीं था ना शायद, नहीं बट यही एशिया कप वाले में नहीं था। अब यहीं पर इंडिया के वर्ल्ड कप में कौन सा था ना, 2022 में था, नहीं 2021 में था ना, बुमराह नहीं था, 2021 में था, 21 में था, 21 में था, 22 वाले में नहीं थे, 22 वाले में नहीं था, एक ही मैच खेला। यहीं पर पॉइंट अब ये फंस जाएगा ना इंडिया के लिए कि अब क्योंकि आपको छह बॉलिंग ऑप्शन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं ऑब्वियस ही बात है, छह बॉलिंग ऑप्शन जिस भी टीम के पास है वो ज्यादातर मैचेस जीत रही है, चेस करते हुए भी टीम जीत रही है। अब ऐसे में छह बॉलिंग ऑप्शन चाहिए, अब आपको ओपनर्स में अगर रोहित शर्मा विराट कोहली ओपन करेंगे नहीं करेंगे, क्या रोहित रहेंगे विराट दोनों खेलेंगे, क्योंकि अगर रोहित शर्मा विराट कोहली दोनों खेल रहे हैं और विराट नंबर तीन खेल रहे हैं तो रिंकू सिंह फिर नहीं खेल पाएंगे आपके 11 में, और इस समय पर रिंकू सिंह को ड्रॉप करना नहीं, नहीं, वो बेवकूफी है भाई, रिंकू सिंह का कॉमन फैक्टर ये भी है कि पिछले चार मैचेस में से अगर मैं देखूं विराट कोहली का लोएस्ट स्कोर जो है ना वो 35 है लोएस्ट, और रोहित शर्मा का हाईएस्ट जो है वो 28 है। विराट कोहली का पिछले चार T20s जो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेले हैं उसका लोएस्ट स्कोर है उसमें से 35 रन, और रोहित का जो हाईएस्ट है पिछले चार में वो है 28 रन, और वो 28 रन को अगर आप निकाल दो ना तो उसके अलावा मेरे ख्याल से रोहित शर्मा के 10 रन भी नहीं है, नहीं बना है। एक में डक्का आउट हुआ है, एक में 5 रन है, 5 और 1 4, तो मतलब टोटल मिला के 10 रन नहीं है, 3 इनिंग मिला के रोहित शर्मा के 10 रन नहीं है भाई। तो ये देख लो कि बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा कि रोहित शर्मा किस तरीके से परफॉर्मेंस करेंगे, इसीलिए मेरे को टेंशन हो रही है कि उनके रन आने चाहिए, और स्पेशली पाकिस्तान के अगेंस्ट जहां शाहीन होंगे, नसीम होंगे, जमाल शायद खेले, जमान खान खेले, साथ में आपके आगे टेपिया भाई का तो चलो हमारे लिए आता, टेपिया का तो अभी टेपिया बना ही था बहुत तगड़ा ओडीआई, हालांकि ओडीआई में तो रोहित ने सबको ही मारा था, शाहीन को भी टेपिया को भी, ये ओडीआई नहीं है ना, T20 ये है, T20 और बेस अभी तो देखना होगा यार, रोहित होते हैं नहीं होते आपके क्या पता, दो नए ओपनर खेल रहे, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, बड़ी बहुत सारी सारी